सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्निकल सौरभ को, इस लाल बटन को दबाकर और साथ में दबाइए इस घंटी का बटन जिससे आपको मिल जाए। तो हे दोस्तों, आइए आज अनबॉक्सिंग करते हैं आसुस आरओजी गेमिंग लैपटॉप का। ये पहला अनबॉक्सिंग है, बहुत दिनों के बाद हमारे चैनल फिर से ओपन हो रहा है, तो यदि कोई गलती हो जाए फिर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। तो ये रहा डब्बा, इस पर कुछ नीचे स्पेसिफिकेशन लिखे थे जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले देखते हैं अनबॉक्सिंग। ये देखिए डब्बा खुला, यहाँ से हमारा मेन कंटेंट यानी कि लैपटॉप बाहर निकलेगा और ये बाहर निकल चुका है। और इसके अलावा डब्बे में हमें क्या मिल जाता है ये देखते हैं। तो एक चार्जर थी, बस मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो इधर उधर हो जाए तो समझ जाइएगा, और उसमें एक मैनुअल थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। एक और फ्लिपकार्ट वाला वो था, वो आगे मैं दिखा देता हूँ आपको, और डब्बे में कुछ नहीं है। ठीक, बस इतना था ये डब्बा में। और इसके अलावा देखिए एक और इसमें था वारंटी कार्ड, जो फ्लिपकार्ट वाले देते हैं, वारंटी कार्ड नहीं था वो, फ्लिपकार्ट का ही बिल था। तो आप देख लीजिए ये बिल था बस, इसके अलावा डब्बे में और कुछ नहीं मिलता है ना। तो आइए चलते हैं मेन लैपटॉप की तरफ। ठीक, ये रहा हमारा लैपटॉप। अब आप एक सेकंड आगे सुनिए। पूरा पढ़ ना पे तो यही है हमारा लैपटॉप मेन कंटेंट। और इसके अलावा एक चार्जर भी दिया हुआ बॉक्स में, बहुत अच्छी बात है कि एक चार्जर भी है बॉक्स में। और आइए अब चार्जर को देखते हैं। ये रैप किया हुआ था पन्नी से या पॉलीथीन से, आप जो भी बोले। ये इस रैप को हम खोलते हैं, थोड़ा सा टाइम लग गया था तभी खोलने में। तो ये पिन आप देख लीजिए, पतला सा पिन है वही वाला लगता है। और ये 150 वाट का चार्जर था, अभी आप स्क्रीन पर देख लेंगे। ये देखिए, यदि आपको पढ़ना हो, एक लोगो भी दिया हुआ था, यदि आपको पढ़ना हो तो आप पाउच करके पढ़ सकते थे। यहाँ पे 150 वाट का है, तो बस यही। और एक उसका केबल है मेन कोड, बस चार्जर में यही दो चीज़ थी। और आप वीडियो एंजॉय कीजिए आगे। तो ये केबल थी। और इसके अलावा अब आते हैं हम अपने मेन कंटेंट यानी कि लैपटॉप पे। ये हमारी खुली लैपटॉप, और क्या तो बात है, आप ये देखिए इसकी ब्यूटी, आप फील नहीं कर सकते, जब आपके पास होंगी तो ही आपको पता चलेगी। और यहाँ पे देखिए राइट लाइन में कुछ नहीं मिलता है। ठीक, पीछे की बात करें, यहाँ पे मैं इसके पीछे यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाते हैं, चार इंडिकेटर हैं, एक बैटरी चार्ज के लिए है, एरोप्लेन मोड के लिए है, और दो किसी किसी चीज़ के लिए है। पीछे बात करें तो ये रेड वाला जो दिख रहा है आपको दोनों साइड, ये एयर कूलिंग के लिए पंखे दिए हुए हैं। और यहाँ पे एक इथरनेट केबल है, एक HDMI केबल है, और एक ये चार्ज पिन लगाने वाला है बस। इसके अलावा इस साइड यहाँ पे आपको 3 USB 3.1 का पोर्ट मिल जाता है, और एक ईयरफोन प्लग करने वाले ऑडियो प्लग आउट, और उसके बगल में जो थे वो स्पीकर थे। और इस चारों साइड से आपको RGB वाले लाइट मिल जाते हैं। पूरी वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, देखने के लिए थैंक यू, लाइक मुझे ना दिखा ये इश्क तेरा ये प्यार।